सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं दाल और पालक की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है। एक दाल और पालक की रेसिपी हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, जिसके अंदर हमने मूंग की छिलकों वाली दाल ली थी और उसके साथ पालक लिया था। तो आज हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं पालक के साथ और ये तुअर दाल के साथ, जिसको अरहर की दाल भी कहते हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये दाल है। तो इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 300 ग्राम पालक, और इसको मैंने बहुत अच्छे से धो के और बहुत बारीक काट लिया है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एक कप मैंने तुअर या अरहर की दाल ली है, इसको भी अच्छे से धो के मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके अलावा एक मीडियम साइज की प्याज लेके मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। दो टमाटर लेके मैंने इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। दो हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं, और 1.5 इंच से मैंने अदरक का टुकड़ा लेके इसको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो बारीक काट भी सकते हैं। उसके अलावा 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है नमक, इतनी ही मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी का पाउडर। और इसके अलावा इसमें जाएगा तड़का। तड़के के लिए मैंने ली है 3 सूखी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, और ये मैं पालक के साथ जो लहसुन है उसका जो तड़का होता है बहुत अच्छा जाता है, तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सा लिया है। कम से कम 2 टीस्पून भर के मैंने लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी दाल और पालक की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर में। आप चाहे तो पतीली में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम डाल देते हैं ये पालक। बहुत आसान रेसिपी है, अलग से आपको ना दाल को बॉईल करना है ना पालक को बॉईल करना है, दोनों चीजें हम साथ में ही डाल देंगे। अब डालेंगे हम इसके अंदर दाल। दाल और पालक की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो चीज आपको ज्यादा पसंद है आप वो ज्यादा डाल सकते हैं। अब डाल देते हैं हम इसके अंदर ये प्याज, टमाटर और अदरक। साथ ही डाल देते हैं सूखे मसाले, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और डाल देते हैं पानी। 1 कप के करीब मैं डाल रही हूँ। सब चीजें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब लगा देते हैं हम प्रेशर कुकर का ढक्कन, और 2 से 3 हम सीटी ले लेते हैं, या फिर जब तक कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से बिल्कुल गल नहीं जाती। बस 2 से 3 सीटियां लेके मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी और प्रेशर को नेचुरली रिलीज होने दूंगी। तो दाल हमारी अच्छे से गल गई है, ये देखिए कितनी अच्छी ये हो गई है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी थोड़ी सी ठीक है, तो गैस को मैंने दोबारा ऑन कर लिया है, और आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं। तो दाल बाद में भी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद पतली हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही पानी डाल रही हूँ। तो तकरीबन 1/2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसको एक बॉईल आने देती हूँ, फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। तो दाल में अच्छे से आ गया है बॉईल। तो बस इसको मैं एक सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो इसी में डिस्क में तड़का लगा दें, लेकिन मैं एक सर्विंग डिश में लगाऊंगी। तो जीरा हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया है, तो डाल देती हूँ मैं इसके अंदर गार्लिक, जिससे इसमें बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। गार्लिक को मैं थोड़ा सा फ्राई होने देती हूँ, जब तक कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज नहीं होगा। तो लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब डाल देते हैं हम इसके अंदर सूखी लाल मिर्च। कुछ सेकंड हम इसे भी फ्राई होने देते हैं, और गैस को हमने कर दिया है बंद। और अब एक चुटकी हम डाल देते हैं इसके अंदर रेड चिली का पाउडर, और बस ये तड़का हम डाल देते हैं अपने दाल पालक पर। तो
देखिए तैयार है हमारी दाल पालक, बहुत ही जबरदस्त ये बनी है और बहुत ही आसानी से बन गई है। तो एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।